जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो PSL करा रहे हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती। पिंडी एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोते यूट्यूब चैनल। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज दैट आई जस्ट केम आउट दैट PSL हैज टू बी कैंसल नाउ एंड देयर इज नो मोर PSL। अब PSL आप का इवेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वजूहात क्या हैं और गिले शिकवे क्या हैं? अब ये ब्लेम गेम का टाइम है या आप किसी पे रख के बात की जाए? लेकिन बात एक माननी पड़ेगी आपको। देखें, पहली बात तो ये तो बहुत बड़ी मेडिकल पैनल की जिम्मेदारी थी कि बायोसिक्योर बबल को पूरा करते हैं। ये बात भी ठीक थी कि मेडिकल पैनल बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, इनके खिलाफ सख्त इंक्वायरी करनी चाहिए। मेडिकल पैनल जो PCB का है, इसके खिलाफ सख्त इंक्वायरी करनी चाहिए कि इन्होंने, मेडिकल पैनल ने खाली ये पाकिस्तान को डैमेज नहीं किया, इन्होंने जिंदगियों को ख़तरे में भी डाला। और इन्होंने जिंदगियों ख़तरे में इसलिए डाला कि इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से ये पूरा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, कि ये समझा नहीं पाए कि यार ये बायोसिक्योर बबल होता कैसे है। ठीक, पहले तो मेडिकल पैनल को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैं आपको भी बताता हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादती की है मेडिकल पैनल में। जब इस किस्म के आप लोग मेडिकल पैनल में रखोगे, जो जिनको घर वाले से इतना नहीं जानते और जिनको आम हॉस्पिटल में नहीं बिठाते, आपने उन्होंने PCB बिठाया हुआ है, और उस जैसे मेडिकल पैनल को आपने, पता नहीं एक कोई डॉक्टर बैठा हुआ था PCB का, पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था, वो कोई समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहा है, ना उसको पता है, ना उसके पास पता नहीं एक्सपीरियंस है। फाइनली मेडिकल पैनल को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और मैं दरख्वास्त भी करता हूँ हायर अथॉरिटी से, क्योंकि दे प्लेड द लाइफ ऑफ द पीपल, कि अगर कोरोना वायरस से खुदा न खास करके जान चली जाती तो ये क्या होता। दूसरी बात, सारा का सारा इल्ज़ाम वसीम खान पे धर दिया जा रहा है, वसीम खान को आगे कर दिया गया है, वसीम खान को बताया गया जी कि आप जाके फेस करो। ये वसीम खान को लाया कौन है? एहसान मानी। ये इमानी साहब किधर हैं? ये वसीम खान की जिम्मेदारी है जवाब देना यहाँ पे? ये लाया कौन है वसीम खान को? एहसान मानी, एहसान मानी कहाँ है? नजर नहीं आ रहे, वो जवाब दें इस चीज़ का। और सारा का सारा ब्लेम बेचारे पे उसको बिठा के TV पे, वसीम खान को उस पर ब्लेम किया जा रहा है, उसको उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे उसको लानदान की जा रही है। हाँ, अब आए ज़रा PCB का इनकॉम्पिटेंट होना, चले इस पे आ जाए ज़रा। PCB वो दुनिया का वाहिद इदारा है जिसकी इनकॉम्पिटेंट होने पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक बंदा सिर्फ है, एक बंदा वसीम खान, जो काम का है, जो लॉजिकल है, जो मदद करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट की, मिनते तरले करके टीमों को बुला के पाकिस्तान में रख रहा है। इसके अलावा एक बंदा, आई गारंटी, एक बंदा काम का नहीं है PCB में जो कोई भी सिनेरियो संभाल सके। वसीम खान की जिम्मेदारी है मेडिकल पैनल को देखना। मैंने पहले भी वसीम खान से कहा था, भाई अपना मेडिकल पैनल, अपना पैनल चेंज कर, कोई लायक टीम ऑफ डॉक्टर्स ला, ताकि ये इस हालात क्रिएट ना हो। ये जो 20-20 साल से पाकिस्तान टीम के बैठे हुए हैं, अकेडमीज में बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर जिनके टेढ़े इतने निकले हुए हैं, जिनके ना बस कॉम्पिटेंट है, ना बेचारे इनके पास इल्म है, ना बेचारों के पास कोई विजन है, ना इतने बड़े सिनेरियो के लिए तैयार हैं। आम वो ठीए वाले डॉक्टर आपने डाके PCB में बिठा दिए, तो फिर ये हालात तो नहीं थे ना। इनके इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द PCB, ये बात ठीक है, क्या आपको इतनी अकल नहीं थी कि आप जाके एक पूरा होटल बुक करा लें? प्राइवेट जेट बुक करा सकते हैं आप, पूरा होटल बुक नहीं करा सकते थे आप? 250-300 कमरों का होटल बुक नहीं करा सकते आप? इतनी अकल नहीं है आपको? वहाँ शादियाँ भी हो रही हैं, वहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, बाल भी कटा रहे हैं, वो स्टेयर केस से छुप के लोग जा भी दे रहे हैं, डैरन समी साहब बाहर निकल रहे हैं, जावेद अफरीदी साहब अपनी वीडियो बना रहे हैं गाड़ी में बैठ के। यार कितनी पब्लिसिटी चाहिए जावेद अफरीदी? आई डोंट फेल टू अंडरस्टैंड दैट, व्हाई वुड यू ब्रीच व्हेन देयर इज अ बायोसिक्योर बबल? आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू वहाब रियाज, कौन सी ऐसी मौत पड़ गई है तस्वीरों की
कि जाके गाड़ी में बैठ के आपने ब्रीच भी कर लिया और ब्रीच करके आपने वीडियो भी बना ली और एविडेंस भी दे दिया और सिंपैथेटिक ग्राउंड के ऊपर कहते हैं कि जी हम माफ़ भी कर दें और पीसीबी इतना माशाल्लाह इतना मासूम कि आगे से कहता है कि हम माफ़ भी कर देंगे आपको. इज़ दैट हाउ यू गोना रन थिंग्स इन पीसीबी? इतने इनकॉम्पिटेंट हैं आप. वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ पूरी दुनिया में अब खबर जाएगी जो मैं बना रहा हूँ, अब पूरी दुनिया इस पर तबसरा करेगी. और मैं दुख से कह रहा हूँ यार देखो ये प्लेड विद द पीपल लाइव्स ऑफ द पीपल एट द सेम टाइम ये प्लेड द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री. इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ हुआ है, वो टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, टूर्स होने वाले हैं और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया. व्हाट फॉर? बिकॉज आपके पास नलायक लोग हैं. किधर है चेयरमैन पीसीबी? ही हैज टू बी आंसरेबल. एंड आई रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज एंड टू द ऑनरेबल कोर्ट्स to take a very good look at it in this matter aur iski inquiry governor pakistan governing board na kare iski tehqiqat adalat kare ki ye is damaging for the pakistan. ab itni badi khabar ban rahi hai, ab mujhe dukh ho raha hai ye video banate hue ki pure duniya mein ye video ab jab viral hogi to is pe pakistan ki aur beizzati hogi. lekin aapko identify to karna hi padega problem, identify to karna hi padega problem ki yaar galtiyan kahan kahan ki thi, kyun nahi hotel pura book karaya, क्यों नहीं कॉर्डन ऑफ किया, क्यों पूरी दुनिया में देखा नहीं है आपने कि जाके पूरा होटल कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसमें ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है. जब पता आपका प्रीमियम ब्रांड पीएसएल है तो आप इसको सेफ गार्ड करने के लिए मेजरमेंट क्या लिए हैं आपने? कोई गोल्फ खेलने जा रहा है, कोई कटिंग करा रहा है, कोई 30 मॉडल्स आ रही हैं, कोई 40 ब्रांड एम्बेसडर आ रहा है. ओ भाई 100 ब्रांड एम्बेसडर रख यार, लेकिन दूर रख. साथ बैठे हुए तस्वीरें खिंचाने आ गए हैं, अब चीखे मारे हैं मालखान टीवी पे बैठ के, ओहो हो हमारे तो पैसे डूब गए. और पैसे डूब गए मामो, तुमने बायो सिक्योर बबल का ख्याल तो कराना था पहले. सारे अपने हाँ हो में लगे हुए थे और पीसीबी भी लगा था शायद हल्ले गुल्ले में ऐसे निकल जाएगा. ऐसे कैसे निकल जाएगा यार? डोंट यू नो दैट द कोरोना वायरस इज इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग. हमारे फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, तो आपको इतनी अकल नहीं है कि यार कि हमने बायो सिक्योर बबल कैसे बनाना है? इतनी भी अकल नहीं है कि तुम एक होटल पूरा 200 कमरों का 250 कमरों का होटल बुक करा लो, आमने सामने हैं दोनों होटल, आमने सामने दोनों को बुक करा लो, 2 महीने के लिए बुक करा लो, उसमें ना कोई आ जाए ना जा सकता है. वहीं से बाराती भी खाना खा रहे हैं, वहां से शादियां भी हो रही हैं, वहां पर लोग भी आ रहे हैं, वहाँ पे आम लोग भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, लोग बाल भी कटा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ब्रीच भी हो रहा है, बायोसिक्योर बबल का ब्रीच भी हो रहा है. और देन ऑल ऑफ सडन हमारे इतने बड़े ब्रांड को तबाह करने में पीसीबी कामयाबी के साथ सक्सेसफुल हो चुका है और टीवी पे बैठ के अब बातें कर रहे हैं आप लोग. और आप अब ये बता रहे हैं कि जी हमसे ये हो गया, हमसे हमें बेहतर करना चाहिए था. बेहतर क्यों नहीं करना चाहिए था? आपको पता नहीं है ये लाइफ थ्रेटनिंग है कोरोना वायरस. सो I'm just surprised to see that these people are just so incompetent. और लाते जाओ ऐसे लोग, और लोग लाते जाओ, और बदनामियाँ कराते जाओ, और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो. काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा. Remember this. नलायकों से काम नहीं चलता, काबिल बंदे लाने पड़ेंगे, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी. देर इज अ प्री प्रोडक्शन, देर इज अ प्री वर्क दैट नीड्स टू बी डन बिफोर यू मैनेज टू रेज सम इवेंट लाइक पीएसएल. वो किधर है? अब बूथी बना के बैठ गए टीवी के ऊपर एंड पुटिंग अ ब्लेम ऑन वसीम खान ऑल अलोन इज टोटली रॉन्ग. ही इज नॉट द गाय दैट टू ब्लेम फॉर. वो डॉक्टर्स को देखे, वो फ्रेंचाइज को देखे, वो लॉजिस्टिक को देखे, वो फॉरेन प्लेयर्स को देखे, वो टूर ऑर्गेनाइज कराए, सारा वो कर रहा है वसीम खान अकेला. दिस इज वन गाय हुज जस्ट एट वर्क राइट नाउ. और उस बेचारे के अलावा वो कितने कितने काम देखेगा वो बेचारा. माय हार्ट गोज आउट फॉर वसीम खान ऑनेस्टली दैट यू नो ही इज बीन डीलिंग विद 1000 अदर मैटर्स प्लस देयर इज अ नलायक टीम ऑफ वसीम खान दैट यू एक्चुअली नॉट कोऑपरेटिंग विद हिम एंड दे गॉट हिम राइट इन द मिडल ऑफ the treacherous water and in the trouble. अब उसको फंसा दिया उसने. मानी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे. मानी साहब किधर हैं? I'm asking you, where are you? Come on the front, answer it. You have damaged Pakistan's reputation by ruining PSL. Where are you? And I need to know the answers now. And I am asking the higher authorities and the Prime Minister
Sir, look into this matter, sir. This is insult to the Pakistan and Pakistan cricket or the lives of the matters, life of the people. आप इसको देखें और मालकान अब शोर मचा रहे हैं जी कि ये हो गया वो हो गया अब ये हो गया वो हो गया. देखें, इट इज़ आर ब्रांड ऑफ पाकिस्तान PSL. इसको हमें लुक आफ्टर करना चाहिए था, बट हमने नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज हमें कॉम्पिटेंट नहीं है. हमने इसलिए नहीं किया. तो क्यों नहीं लाते हो कॉम्पिटेंट लोग? क्यों नहीं लाते हो पढ़ा लिखा मेडिकल पैनल? क्यों नहीं हायर करते हो सर्विसेज बाहर से? क्यों नहीं पढ़ा लिखा एक पूरा डॉक्टर टीम्स और डॉक्टर्स आके आपको ये बना के दे? ये जो हट्टी पे बैठे होते हैं डॉक्टर, उनको ला के PCB में बिठा दिया आपने. शर्म तो आपको PCB को आनी चाहिए कि जब आपके पास नलायक तरीन लोग होंगे तो ये रिजल्ट आएंगे. भुगतो, अब बैठो, अब भुगतो इस चीज को. अब करो पैसे वापस PSL के. यू नो, दिस इज ओनली वन गाय हु इज मेकिंग इट ऑल हैपन, वसीम खान. माई हार्ट गोज आउट फॉर हिम. ही इज नॉट माई फ्रेंड. आई हैवन स्पोकन टू हिम व्हाट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू इम्प्रूव पाकिस्तान क्रिकेट. बट जो इसके पीछे हैं, चेयरमैन है, बाकी बोर्ड है, सारा छुपा हुआ है. अब वो अकेला बेचारा उसको टाई बिठा के चल बैठ भाई, गालियां खाने के लिए बैठ जाते हैं आप सामने. सो रियली रियली सैड टू सी दिस. और आई एम वेरी वेरी एंग्री कि दिस PSL ब्रांड ऑफ पाकिस्तान इज गॉट डिस्ट्रॉयड ऑल ओवर अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट पीपल. जिन्होंने टेप बॉल की क्रिकेट नहीं कराई वो PSL करा रहे हैं. जिनको प्रिस्क्रिप्शन लिखना नहीं सही आती. सो अगेन आई एम रियली रियली एंग्री कि PSL का ब्रांड रुका, ख़राब हुआ और रेपुटेशन ख़राब हुई. व्हाट्स मैसेज आर यू सेंडिंग टू द वर्ल्ड? सो आई वांट अ रियली रियली हाईली क्वालिफाइड विद ऑनरेबल पीपल इन्वेस्टिगेशन, नॉट थ्रू द बोर्ड. दिस नीड्स टू बी लुक एट ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, कि इसकी तहकीकात हों और पता चले कि PSL की खराबियां हुई क्यों, किस वजह से हुई, किन किन नलायक लोगों ने क्यों को खराबियां की, कैसे की, बायस की और बबल क्यों नहीं क्रिएट हो सका, पूरे दो होटल क्यों नहीं खरीदे गए, क्यों नहीं इसकी इन्वायरमेंट को सिक्योर किया गया और क्यों नहीं इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये इकदाम किए गए. और अगर ये इन्वेस्टिगेशन अगर इसकी फाइंडिंग से इतना बाहर ना आई, सो ऑल ऑफ द मीडिया इंक्लूडिंग माई सेल्फ गोना लैश आउट एट PCB. So this is a very, very serious matter, and all around the world I'm getting the phone calls from the all around the corner of the world that, you know, is that what you call a bioscore bubble, sir? Is that how you gonna create magic within the Pakistan by making this PSL happen in this country? Is that how you gonna do it, guys? You're gonna do it? So bada ajeeb sa ek incident hua hai. I'm really sad, I'm really unhappy, I'm really angry, I'm really anxious. And all in all, in the end, I think you should not blame Wasim Khan, because he's the only guy who's at work, who actually comes to work, and that's him. So I'm not giving him saving grace in terms of, you know, ki main usko bacha nahi raha, but main to bata raha hu, ye kaam kahe ki banda hai. Baki sare ke sare iski team ek number ki fazool team hai inke paas, and that is your fault, Wasim Khan, because you are surrounded by the very, very highly incompetent people. And now, ab enjoy it. Ab maza le. Ab team ke saath jo tum team rakhi na, ab maza le. I told you, change the medical panel. I told you everything, you know, ye medical panel change karo. Ye low qualified lao. Bande kaam ke lao. Nahin, na hotel secure ho raha hai. Na medical team ko kuch pata hai. Kuch bhi, kuch nahi pata kisi ko. Aur, you know, in general, but just, you know, just all in all, it's really stupid. It's just really, really embarrassing. This is Shaif the YouTube channel. But dukh dard se video banayi hai maine. I hope aapko is baaton se kuch samajh aaye aur aainda ye galti na kare. Check it. Bye. Has left the station, that's for sure.